नंबर 5 है ना। चैप्टर 5 है पेज नंबर 28 एंड 29। 29 में हम देखेंगे प्रश्न 2 में देखिए निम्नलिखित वाक्यों को टेक्स्ट निकाल लीजिए। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है ना। तो नाउ स्टार्ट प्रश्न 2। प्रश्न 2 ओके लिखिए। निम्नलिखित बताकर उनका वाक्य में क्या करना है, इसको प्रयोग करना है। प्रयोग कीजिए, देखिए प्रयोग कीजिए ओके है ना, प्रयोग कीजिए। चलिए अभी आप टेक्स्ट बुक में देखिए उद्यम है ना। उद्यम मीन्स क्या होता है, इसका पहले अर्थ हमको लिखना है। यहाँ लिखिए उद्यम, राइट। हमने लिखा उद्यम, नंबर 1 में है उद्यम मीन्स परिश्रम, इसका अर्थ क्या हुआ, परिश्रम। ओके अब इसको हमें वाक्य में प्रयोग करना है तो क्या लिखेंगे, यहाँ वाक्य लिख दीजिए वाक्य, राइट। फिर अभी आप इसको वाक्य में प्रयोग कैसे, उद्यम से ही सफलता मिलती है। देखिए उद्यम से ही क्या होता है, सफलता मिलती है राइट। उद्यम से ही हमें सफलता मिलती है। सेकंड नंबर का है प्रकृति, प्रकृति का अर्थ क्या हुआ, स्वभाव। क्या लिखेंगे हम, स्वभाव, यहाँ लिखिए स्वभाव, राइट। स्वभाव इसका वह सरल प्रकृति का व्यक्ति है, वाक्य में प्रयोग करना है तो कैसे लिखेंगे, वह सरल है ना, वह सरल प्रकृति का व्यक्ति है, प्रकृति का व्यक्ति है, राइट। चलिए नेक्स्ट है 3 नंबर में खै। खै मीन्स कुशलता, क्या है खै मीन, कुशलता मैंने खैरियत, खै लिखिए, खै मीन्स कुशलता, राइट। खै मीन्स कुशलता, इसको वाक्य में प्रयोग करना है तो हमें करने लेंगे कि मैं आप सबकी खैर चाहता हूँ। क्या लिखेंगे, मैं आप सब की क्या खैर चाहता हूँ, आप सबकी खैर चाहता हूँ, राइट, आप सबकी खैर चाहता हूँ। 4 नंबर में लिखना है आपको, देखिए 4 नंबर में क्या है, कुशंग। कुशंग मीन्स क्या लिखेंगे, उसका अर्थ क्या, बुरी संगति। कुशंग मैंने मीनिंग में लिखा है कुशंग, ओके, बुरी संगति राइट। तो इसको वाक्य में प्रयोग करना है, वाक्य में प्रयोग कीजिए तो कैसे करेंगे हम, कुसुम करने से हमारा पतन होता है, क्या कुसुम करने से हमारा
होता है, राइट। फिर फाइव नंबर में लिखिए, फाइव क्या है, कंचन मीन सोना, कंचन सोना है ना, इसको वाक्य में प्रयोग करना है, दिख रहा है ना, हाँ राइट। वाक्य यहाँ से लिखेंगे, मैं बोल रही हूँ उससे भी आप लिख सकते हैं, मेरी आवाज़ सुनिए। देखिए, सास ने बहू को कंचन के कंगन दिए, मीन सोने के। सास ने, देखिए सास ने बहू को कंचन के कंगन दिए, क्या लिखेंगे हम, कंचन के कंगन दिए, कंचन के कंगन कंगन यहाँ लिखिए दिए, राइट। ये आपका हो गया कंप्लीट, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका जपमाला। जपमाला मीन्स जप करने का माला, इसे मैं इरेज करती हूँ। इसमें क्या है, जब सिक्स नंबर में क्या लिखेंगे हम, जब लिखे सिक्स नंबर में जप माला, जप माला, राइट। जप माला मीन्स जप करने का माला है ना, जप करने का माला है ना, इसको वाक्य में प्रयोग करना है, वाक्य में प्रयोग करना है आपको। कैसे करेंगे, दादी जी जब माला लेकर मंदिर जाती है, लिखिए दादी जी जब माला लेकर है ना, जब माला लेकर कहाँ जाती है, वो मंदिर जाती है ना, मंदिर जाती है, राइट, है ना। फिर सेवन नंबर में लिखना है आपको, सेवन में क्या लिखेगा, दुख मीन्स गम खेद, दुख मीन्स क्या लिखना है आपको, दुख गम खेद, राइट। वाक्य है, किसी स्पर्धा से हारने पर दुख होता है, क्या है, किसी घा पर हारने से क्या होता है, हमें जब हार जाते हैं तो हारने पर दुख होता है, किसी स्पर्धा में हारने पर दुख होता, हारने पर दुख होता है, राइट। चलिए एट नंबर में है भूचम, एट नंबर में लिखिए भूजंग, राइट। इसका क्या लिखेंगे हम, भुजंग मीन्स क्या होता है ना, भुजंग मीन्स सांप, क्या होता है, सांप, क्या यहाँ लिखेंगे आप, सांप, राइट। इसको वाक्य में प्रयोग करना है आपको, है ना, आप ध्यान दे रहे हैं ना, जप माला दुख भुजंग, एट नंबर में भुजंग है सांप, भुजंग को देखकर ही लोग डर जाते हैं, क्या है, भुजंग को, हम लोग सांप को देखकर डर जाते हैं, आपको डर लगता है,
देख के डर लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना। तो भुजंग को देखकर, भुजंग को यहाँ के देखकर है ना लोग डर जाते हैं, लोग डर जाते हैं, राइट। फिर 9 नंबर में है आपको हर साय। 9 नंबर में क्या है? हर से हरसय। 3 है ना। प्रश्न नंबर 3 में आपका है प्रश्नों का उत्तर लिखिए, राइट। तो हम प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे अभी। प्रश्नों का अभ्यास में देखिए यहाँ, सॉरी अभ्यास
ये क्वेश्चन नंबर वन हो गया। आंसर आपका आएगा कि यदि कहे तो यदि भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहे तो मैं उनसे कहूँगा प्रभु मेरी, क्या कहूँगा? मैं उनसे कहूँगा, मैं उनसे कहूँगा, मैं उनसे कहूँगा, है ना, मैं उनसे कहूँगा प्रभु मेरी बुद्धि, उनसे कहूँगा प्रभु मेरी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए, प्रभु है ना, प्रभु मेरी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए, तीव्र हो जाए, है ना, तीव्र हो जाए, इतनी बुद्धि तीव्र हो जाए कि कठिन विषय भी मुझे सरल लगे, तीव्र हो जाए कि कठिन समय भी क्या लगे, सरल लगे, है ना, कठिन समय भी सरल लगे या कठिन विषय भी सरल लगे, कठिन विषय भी सरल लगे, सरल लगे, राइट, है ना, कठिन विषय भी सरल लगे। आपकी कृपा से स्वस्थ शरीर और ऐसी आपकी कृपा से स्वस्थ शरीर है ना, आपकी कृपा से स्वस्थ शरीर और ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि पाकर मैं और ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि पाकर मैं तीक्ष्ण बुद्धि पाकर मैं व्यापार के क्षेत्र में अच्छा यश पाऊँ। ओके, ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया पाऊँ। और अपने माता पिता तथा अन्य स्वजनों और अपने माता पिता अन्य स्वजनों को किसी तरह का दुख न पहुँचने दो अन्य स्वजनों को किसी तरह का दुख नहीं पहुँचने दो, दुख नहीं पहुँचने
दूं। इतना ही नहीं, मैं समाज की सेवा करने में भी समर्थ बन सकूँ। ओके, है ना, ये आपका प्रश्न हो गया, बन सकूँ और अपने देश की भी कुछ लाभ पहुंचा सकूँ। और इसको आप पढ़ेंगे तो आपको
ध्यान में आ जाएगा कि ये प्रश्नों का उत्तर क्या आएगा, अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकते हैं।